तो दोस्तों आपने बारबेक्यू नेशन जाके तो बहुत बार खाना खा रखा होगा, बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है, वहाँ जाके बैठ जाओ, अनलिमिटेड बुफे, टेबल पे बैठे बैठे लाके खाना देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, जब तक आपका खाना खुद भर भर के पेट यहाँ से खाना बाहर निकल के नहीं बोल देना कि भाई साहब और नहीं चाहिए, तब तक वो मानते ही नहीं है। एक छोटा सा झंडा लाके रख देते साइड में कि जब भी आपका मन भर जाए ना, पेट नहीं मन, क्योंकि पेट तो बहुत पहले भर चुका है, जब भी मन भर जाए ये झंडा नीचे कर देना, तब वो खाना लाना रोक देते हैं। पर ये तो है कोविड से पहले की बात, अब कोरोना के चक्कर में तो आप जा नहीं सकते, है ना, चेप नहीं सकते अनलिमिटेड खाना, तो इसलिए बारबेक्यू नेशन ने ना बढ़िया जुगाड़ निकाला है। वो पूरा बुफे एक डब्बे में डाल के आपके घर भेज रहे हैं, और वही आज मैंने मंगाया है, बारबेक्यू नेशन इन अ बॉक्स, मीर इन अ बॉक्स कुछ तो बोलते हैं उसको, ऑनलाइन ऑर्डर किया है मैंने, और आज मैं वो खाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई साहब कितना अच्छा है या नहीं है। जो भी है, अपन को पैसे नहीं मिले तो अपन तो जो होगा सच्ची सच्ची बता देंगे। आओ टेस्ट करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो बढ़िया सी पैकिंग, ऐसा लग रहा है कोई दिवाली का गिफ्ट आया है, मतलब ये कहीं से भी देख के ये तो लग ही नहीं रहा है कि खाना आया है। ये देखो, ये है बारबेक्यू इन अ बॉक्स। ओहो क्या ही बढ़िया, मतलब डब्बा देख के ही ऐसा मज़ा आधा तो। और ये फूल हमने गुड़गांव से ही मंगाया क्योंकि अभी वहीं पे हूँ मैं, और अब खोल के देखते हैं, और हम खुद ही कैमरा कर रहे हैं तो एक हाथ से कैमरा करेंगे, एक हाथ से ये सब आपको करके दिखाएंगे। ओहो अच्छा, इस पे ये क्या लिखा था, हाँ इस पे लिखा था डू नॉट एक्सेप्ट इफ, हाँ डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन। तो दोस्तों अगर सील टूटी हुई है इसकी, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा, तो खाना एक्सेप्ट मत करिएगा, सील चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले क्या आई है, लिखे जो खत तुझे, हीट प्लस सर्व एनहेंस एक्सपीरियंस बाय फॉलोइंग अ फ्यू सिंपल स्टेप, स्टार्टर हीट स्टार्टर विद लिटिल अमाउंट ऑफ घी और बटर, ओके ऑन अ कवर्ड पैन, ग्रेवीज प्लस दाल, बिरयानी, ब्रेड और डेजर्ट, ओके। तो ये सब जुगाड़ है जिसमें से मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने तो मंगा लिया क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड। ये है अंदर लकड़ी के चम्मच और प्लास्टिक फोर्क कुछ तो लग रहा है, अब देखते हैं भाई साहब सबसे पहली लेयर क्या है। ओ बेटे गरम है ये, अभी अभी मंगाया मैंने तो काफ़ी गरम सा ये मामला। ये एक चीज, ये दो, ये तीन, इस पे स्टिकर है, इस पे स्टिकर क्यों नहीं है, इस पे स्टिकर समझ में नहीं आया, जो भी है देखते हैं क्या क्या है। तो ये हमने पहले ये करके कर दिया साइड, ये देख लेते हैं क्या है, ये ऐसा लग रहा मीठा मीठा रखा ऊपर। ओ भाई साहब हलवा सबसे पहले खुलते ही जी खुश, ओए होए गुलाब जामुन सांवले सांवले एकदम बढ़िया, गुलाब जामुन के पीस अच्छे खासे रखें। ये क्या है, ब्राउनी से लग रही है मुझे, हाँ पता नहीं अपने को, अच्छा जो चीज़ पता नहीं होगी तो ऐसे कमेंट में बता देना कि भाई साहब वो ब्राउनी नहीं थी, वो तो वो फलाना फलाना, ऐसे फिरंगी सा नाम लेके बता देना। ये है आपकी हरी चटनी, सही, और ये क्या है, ये वो है मेयो टाइप कुछ लग रहा है जो मैंने मस्त गिरा भी दिया, मम्मी से डांट पड़ेगी, मजा आ गया। ओके और क्या है इसमें, अब मैं निकालता हूँ, इसमें है एक दो, ये तीन, भाई साहब डब्बे डब्बे निकल रहे हैं, चार और पाँच, अच्छा डब्बे ख़त्म हो गए, अब ये छः सात आठ नौ और भाई साहब ये दस, ये चीज़ें निकली हैं। देखो ये पूरा निकाल दिया मैंने, ये टोटल चीज़ें ये निकलती हैं जो जो सामने हैं आपके। अब इनमें से खोल खोल के एक देखते जाएं कि अंदर से क्या निकलता है। बहुत ही मेहनती इंसान, सारे बाकी फूड ब्लॉगर एक कैमरा पर्सन साथ लेके चलते हैं जो वो कैमरा पकड़ता है और वो दो हाथ से मस्त खाते हैं, पर हम हैं असली हसलर स्ट्रगलर। ओए होए सबसे पहले ही बिरयानी, क्या बात है, ओ बेटे मौज करा दी। तो ये होगी बिरयानी, हमने रख दी साइड, और क्या भाई साहब जय में क्या है, ये क्या है, ये इन्हीं की चम्मच सी तोड़ के और देख लिया जाए ये डुबो डुबो के है क्या ये। ओए होए टू इन वन चम्मच है दोस्तों, काटा और चम्मच दोनों टू इन वन, क्या बात है।
ये बटर चिकन सा लग रहा है मुझे, क्या बोलते हैं, बटर चिकन है आपके हिसाब से ये? चलो टेस्ट करके असलियत पता चलेगी। अभी हम ये कर देते हैं साइड में, ये जो जो चीज़ें खोल ली हमने कर दी है एक साइड। यहाँ पे आ गई है पहले हमारा ये बटर चिकन, ये रखी बिरयानी और ये चटनी चुटनी। अब हम देखते हैं और क्या है इस डब्बे में, क्या है भाई साहब। उफ, एकदम ही ब्रूसली बन के भाई। ये नहीं कि व्लॉग करने से पहले सारे खोल के रख ले, नहीं फिर ऑथेंटिक नहीं लगेगा ना कि पहले से खोल के। मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ, ऐसा मेरा सोचना था, तो इसलिए जो आपके ये 15 सेकंड एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहे हैं मेरी वजह से, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ओ बेटे दाल दाल दाल, ओए होए ये तो बहुत ही मज़ेदार दाल ही है ना, ये क्या लग रहा है ये? ओ हो दाल। चलो दाल जी साइड में हो जाओ। नेक्स्ट क्या है, कुछ सूखा आइटम लग रहा है इसमें तो, कुछ सूखी सी चीज़ लग रही है देख के। बिल्कुल कतई सूखा नहीं दोस्तों, बहुत ही गीला, बहुत ज़्यादा गीला। ये क्या है? ओहो ये है आपका मिर्च का सालन। जी हाँ ये हो गया वो, और अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है, ओए होए खुल जा बेटे, खुल गया, एक्सपर्ट हो गया भाई एक हाथ से खोलने में। ये क्या है? ये लग रहा है मुझे मटन सा लग रहा है कुछ तो, साथ में एक ये मेन्यू सा देते हैं ना कि भाई साहब क्या क्या भेज रहे हैं, तो थोड़ी हेल्प सी हो जाती, ये खुद गैस करने का जो सीन है। तो ये तो हो गए आपके ग्रेवी वाले सारे आइटम। ये आपका लग रहा है मुझे मटन, मिर्च का सालन, दाल, बटर चिकन, बिरयानी, ये तो हो गई ये चीज़ें। अब देखते हैं ये एक एक डब्बा खोल के कि इन सब में क्या है। ये है नेक्स्ट डब्बा, कहाँ से खुलेगा ये? अच्छा ये ऐसे ही फाड़ के रख देंगे, हम ऐसे खोल देंगे इसको। ये है आपका कुछ तो आलू की टिक्की या कटलेट टाइप लग रहा है, और ये है आपका ये क्या है, पाइनएप्पल। ओहो ये पाइनएप्पल है, चलो एन आलू कर दो साइड। ये आ गया आपका एक पहला सूखा आइटम आ गया। टेपें आपस में चिपकी जा रही हैं, दूर हो जाओ बहना एक दूसरे से लिटिल लिटिल। ये जल्दी खोल देंगे हम, ये है नेक्स्ट खोल रहे हैं। ओह मैं वही बोला पिंक क्यों रखा पूरा, ये आपके सिरके वाली प्याज और गाजर, क्या बात है सैलेड में इतना सिलेक्टिव कि सिर्फ गाजर और प्याज और कुछ नहीं, ये पहली बार देखा है। और हम इसके साथ खोलने जा रहे हैं अगला डब्बा। ये अगला डब्बा है, इसमें क्या है? ये लग रहा है आपका मुझे चिकन टिक्का, और ये मुझे लग रहा है आपका ये भी चिकन ही लग रहा है। अच्छा ये वो है लॉलीपॉप टाइप कुछ तो, वैसे वाला चिकन है ये, देख रहे हो ये चाइनीज़ बर्गर कोई तो। ये इसको यहाँ रख देते हैं, ये खोल लेते हैं हम अब लास्ट। ये है आपका ओहो प्रॉन्स। तो मैंने जितनी बार बारबेक्यू नेशन में जाके खाया है प्रॉन्स हमेशा बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए मैंने, क्योंकि महंगे भी होते हैं और अनलिमिटेड मिल जाते तो मज़ा आ जाता है, समझ रहे हो। और ये है मछली जल की रानी, जी हाँ दोस्तों ये भी हो गया। तो ये आपके ये चीज़ें हो गई। अब ये आखिर में गेस करो दोस्तों क्या हो सकता है, कौन बता सकता है, जो भी बताएगा उसको 51 रुपये का इनाम किसी की तरफ से भी नहीं। ये है रोटी, जी हाँ दोस्तों ये है रोटी जो एंड में अलग से बढ़िया। तो अब मैं आपको ऐसे ही टेस्ट करके दिखा देता हूँ इन सब में से कि क्या है और क्या कैसा कैसा है। ये मतलब ऐसा लगा घर में बुफे की फील आ गई एकदम ही, देख रहे हो ये एकदम जैसे घर में बुफे की फील आ गई, सारा सामान ओहो कहाँ तक है, हाथ ही नहीं पहुँचे इतनी दूर दूर तक पहुँच गया खाना। ओहो हो तो सबसे पहले मैं यहीं से लेता हूँ एक रोटी की बाइट और आपको मैं टेस्ट करा देता हूँ। सबसे पहले ये दाल टेस्ट करा देता हूँ यहीं से। तो ये मैंने ले ली दाल एकदम
मजेदार। ओहो हो, बाहर की बढ़िया दाल का इतना टाइम हो गया कि लॉकडाउन के बाद ना खाने के लिए प्यार और बढ़ गया है अचानक से, कि ऐसा लग रहा है कि क्या ही मिस किया लाइफ में। ये कटलेट ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, कटलेट बेटर हो सकती थी, उतनी फील नहीं आ रही। और बूफे में जब आप वहाँ जाके खाते हो तो ये सीन होता है कि गरम गरम एकदम गैस से उतरा हुआ खा रहे हो आप। ये थोड़ा सॉगी हो गया तो हल्की सी फील उतनी नहीं आती, हल्का सा फर्क पड़ जाता है। पर कोरोना में घर बैठे बूफे मिल जाए और क्या चाहिए, मतलब क्या लोगे और। टिक्की ठीक ठीक। पाइनएप्पल मैं शौकीन नहीं हूँ, और ये ऐसे ग्रिल्ड पाइनएप्पल का तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, किसी भी तरह का नहीं हूँ। पाइनएप्पल अपना सीन नहीं है, तो इसलिए मैं वो टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा। पाइनएप्पल कैसा ही होता है ये पता ही आपको। अब मैं फिर स्टार्टर में आपको, ये हो गया आपका ये टिक्का, टिक्का स्टिक्का। ठीक है, वही थोड़ा ठंडे गर्म वाला हल्का सा सीन है। पर मैंने वैसे अभी अभी ये डिलीवर हुआ है और आते ही मैंने खोल के वीडियो बनाई है, तो ऐसा नहीं कि बॉक्स एक घंटे पहले आ रखा था, ऐसा नहीं हो, अभी अभी आया। ये तो था टिक्का। अब ये जो भी, ये टिक्के के साइड में ही, साइड वाले अपार्टमेंट में ये है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप दिखा दूँ आपको पास से, कलर वाला बढ़िया सा आया हुआ है, एकदम पका हुआ। नाइस, मज़ेदार, इसमें फील है। और हम लेते हैं सबसे महंगी चीज़, प्रॉन, ग्रिल प्रॉन है। ओहो, प्रॉन में बहुत ज़्यादा फील, पूरे पैसे वसूल प्रॉन में ही। गोवा की याद आ गई, लॉकडाउन में 2 महीने गोवा चला गया था मैं ऐसे ही। ओहो, और क्या फील है ये, प्रॉन में फुल मार्क्स। अब प्रॉन के साइड में जो मछली है, फिश टिक्का लग रहा है मुझे, बहुत ही टच करने में सॉफ्ट एकदम, जैसे मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, मेरी उंगली धीरे धीरे ऐसे दलदल की तरह धंसती जा रही है टिक्के में, इतना सॉफ्ट है ये। मैंने लगाई थोड़ी सी हरी चट्टी और गोलगप्पे की तरह टिक्का अंदर। मस्त, ओहो, टिक्का भी अच्छा है, प्रॉन और फिश टिक्का दोनों बहुत ही बड़े। अब हम आते हैं मेन कोर्स की तरफ। दाल आपको मैंने एकदम शुरू में टेस्ट करके बता दी, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरा दाल, मतलब दाल मखनी तो एकदम ही फेवरेट और वैसा वाला सीन है। तो पर अब मैं आपको चिकन और मटन, जो दो चीज़ है ग्रेवी वाली आइटम, वो टेस्ट करके बताता हूँ। ये आ गया अपना चिकन, भाई साहब थोड़ा सा इधर होना, थैंक यू। ये है अपना चिकन, ये अपन ले रहे चिकन की एक बाइट। ओहो हो, पीस देखो भाई साहब, मज़ेदार लज्जतदार। ये हमने एक पकड़ लिया और ग्रेवी में हाथ सन गए हैं, पर इसी का तो मज़ा है। हाथ धोए थे बहुत ही बढ़िया, 20 सेकंड नहीं 40 सेकंड धोए थे ये, खाने से और शूट करने से पहले बता दूँ। ओ भाई साहब, मज़ेदार मज़ेदार। दोस्तों सॉरी बट चिकन की तो एक बाइट और लेनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार में मैं पूरा जायका अब तक पहुंचा नहीं पाया, तो ये चिकन की एक बाइट और हो ही जाए। ओहो, हम्म,
प्याज। अच्छा चिकन खाते ही प्याज याद आ गया। भाई ये तो वर्थ इट है, मिल तो वर्थ इट है। पैसे बताऊंगा मैं आपको, तो इसकी प्राइस है वैसे 850 रुपये, जोमेटो और स्विगी दोनों पे अवेलेबल है, पर दोनों पे एक साथ करके देख लेना किस पे बेटर डील चल रही है। जैसे अभी मैंने स्विगी पे मंगाया क्योंकि जोमेटो में मुझे 880 का मिल रहा था टैक्स वैक्स मिला के, स्विगी पे मेरे को 880 था जोमेटो पे, 813 पे मिला मेरे को स्विगी पे। तो ऑफकोर्स अंदर का मिडिल क्लास इंसान, मैं स्विगी से मंगाया है ना, क्यों नहीं, मतलब जहाँ पैसे बचते हैं भाई साहब बचा लो, कौन कौन छोड़ता है। अब मैं अगला करने जा रहा हूँ टेस्ट दोस्तों, मैटन। मैटन हमने बहुत दिनों से नहीं खाया, ओवरऑल रेड मीट कम खाता हूँ मैं, ज़्यादातर लाइफ में चिकन ही चलता है, पर अब आ गया है बुफे में, सामने रखा हुआ है, मेरी तरफ देख रहा है कि भैया खा लो, तो कैसे छोड़ूँ मैं। तो ये मैंने बनाई है मटन की बाइट, ये देखो भाई साहब क्या ही, ये ग्रेवी, और ये मैं डिप करूँगा अब इसकी मटन की ग्रेवी में इसको। वही सीन है, एक बाइट में पूरा बता नहीं पाऊंगा, एक और लेनी पड़ेगी भाई, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं था, आपके लिए खा रहा हूँ मैं ताकि आपको बता पाऊँ। ये एक और मुझे कहीं से भी आप नॉन वेज वेज कुछ भी खा रहे हो, दो आइटम की ग्रेवी सेम होती है ना, मुझे खेल लगता है, स्कैम लगता है कि कई लोग मटन भी उसी ग्रेवी में डाल देते हैं, चिकन भी उसी ग्रेवी में डाल देते हैं। अफकोर्स बारबेक्यू नेशन बड़ी बना दे तो ये सब सीन तो होगा नहीं, पर बढ़िया मटन भी सही है। अब इनकी आ जाते हैं हम बिरयानी पे दोस्तों, ये है बिरयानी, देख रहे हो भाई साहब ऊपर ये तड़के वाले प्याज, और मैं आपको पास ला के दिखाता हूँ। तो अपना क्या सीन है बिरयानी का ना, अपन खाते हाथ से, अपने को ना चम्मच चम्मच का थोड़ा सा ऐसा ही वो है, तो मैं इसी में से एक बाइट लेके आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कि ये कैसा है ना। बिरयानी तो बेस्ट है भाई, बेस्ट। सबसे ऊपर बिरयानी ऑन टॉप, एक साथ सब फेल कर दिया बिरयानी ने। ये काली मिर्च के दाने निकालने पड़ते हैं, ये मैं खाता नहीं। ओहो तो ये तो हो गया भाई साहब आपका मेन कोर्स और स्टार्टर। मीठा, मीठे में क्या है वो थोड़ी छोड़ेंगे, ऑफ कोर्स भाई आधे काम में थोड़ी मीठा भी खा के दिखाएंगे। तो मीठे में ये है आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, एक है हलवा, ठीक है, एक है आपके पास गुलाब जामुन, और है आपके पास जो मुझे ब्राउनी लग रही है, पर शायद ब्राउनी ही हो सकता है ना हो, नहीं हो तो बता देना क्या ब्राउनी सी लग रही है। ये तीन चीज़ें एक एक करके सबकी बैठ लेंगे, पहले लेंगे हम ब्राउनी। बढ़िया, नाइस। फिर लेंगे हम लिटिल बिट आपका ये हलवा, मूंग दाल का लग रहा है, पता नहीं किसका है। ओ भाई साहब इतना ज़बरदस्त, ओ हो, गुलाब जामुन पे काफ़ी प्रेशर है इतनी मेहनत करने के बाद। ये है आपका गुलाब जामुन। एक और खाना पड़ेगा, तो एक और खाना पड़ेगा सिर्फ आपके लिए। बेस्ट है दोस्तों, मज़ा आ गया। तो आपको भी अगर मन हो और आपके शहर में है बारबेक्यू नेशन, ट्राई मार के देखो, मैं तो करूँगा रिकमेंड, है ना। इसका वेज वर्जन भी आता है, ये 849 का, वेज 749 का है, तो आपको जो
सही लगे आप वेज हो वेज मंगा लो, हमने जो नॉन वेज मंगा लो, बढ़िया जुगाड़ है। घर बैठे ये देख रहे हो बुफे पूरा एकदम ही मौज कराती, एकदम पूरा ऐसा लग रहा है कि अच्छा खाना बहुत है। तो एक बंदे के हिसाब से नहीं है ये, जैसे मैं तो घर वालों के साथ शेयर करूँगा वीडियो ख़त्म करके, इसको आराम से 3 से 4 बंदे आराम से खा सकते हैं, 3 तो आराम से खा सकते हैं। रोटी एक्स्ट्रा मंगा लो या घर पे मंगा लो जो भी है, बाकी ये सफिशियंट है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, है ना? अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है ना, भाई का नया नया चैनल है ना। और कमेंट करके बताना कि आपका सबसे फेवरेट बारबेक्यू नेशन की कौन सी मेमोरी, या आपका बुफे कौन सा है और कितने का मिला था आपको, या तो वो कर दो, है ना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दो क्योंकि ये भी नया नया है ना। और कोई भी सजेशन हो, कुछ भी सजेशन हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सजेशन बिन धड़क इंस्टाग्राम पे मुझे, फेसबुक पे, जहाँ आपको सही लगे मुझे सजेस्ट कर देना। और मुझे आया काफ़ी मज़ा आया खा के, और देख रहे हो एकदम ही दोस्तों, दुनिया जीने के लिए खाती है पर अपन तो खाने के लिए जीते हैं।